بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم

और उसी का फजलो करम है कि हम और आप माह रमजान के दो अशरे गुजार कर तीसरे अशरे में दाखिल हो चुके माह रमजान की ये सातें अभी चंद दिन पहले शुरू हुई थी और आज हम अपने आप को उस मुकाम पर देख रहे हैं कि जहां इसके दो तिहाई से ज्यादा हिस्से हम गुजार चुके हैं और बाकी जो बचा है एक सुलूस एक तिहाई हिस्से से भी कम हमारे और आपके सामने रह गया है अल्लाह तबारक ने लॉकडाउन की सूरत हाल में अपने अपने घरों तक महदूद रह ही जितनी कुछ इबादत मैं और आप कर सकते थे करने की तोफीक अल्लाह ने बख्शी थी हम और आपने की अल्लाह की तोफीक से और अब गिने चुने चंद दिन बाकी रह गए हैं और अगर हम कह सकें तो चंद घड़ियां सा, चंदसाते सिर्फ बाकी रह गई हैं ये जो घड़ियां बाकी रह गई हैं ये जो अयाम बाकी रह गए हैं या जो रातें बाकी रह गई हैं ये हमारे सामने बेश कीमत खजाना एक ऐसा खजाना है कि जिस पर किसी का इख्तियार नहीं दुनिया वालों में से किसी का इख्तियार नहीं है यहां समेटने वाले अपनी मर्जी से अपनी इस्तात के मुताबिक जितना समेटना चाहे समेट सकते हैं यहां कोई आपको रोकने वाला नहीं कोई टोकने वाला नहीं यहां बस आप हैं मैं हूं और हमारी हिम्मत है और सामने हमारे ये खजाना पड़ा है कि हम और आप कितना खजाना अपने जामन में समेट लेते और कितना खजाना हम अपने नाम कर लेते अल्लाह तबार को हर रात इस बात का ऐलान करता है या बागी अकबिल खैर के मुतलाशी आगे बढ़कर आप खजाना चाहिए तो आज समेट ले तेरे सामने खजाना कमाने का मौका है और ये बात हर रात होते होते उस मुकाम तक पहुंची है जहां हमारे और आपके सामने गिने चुने चंद दिन बाकी कुरानी मजीद में अल्लाह तबारक को ताला ने रमवान मुबारक को ही पूरे महीने को ये अल्लाह ताला ने अय्या महदुदाद कहा कि ये गिने चुने दिन हैं और मेरे और आपके सामने जो दिन रह गए हैं गिने चुने दिनों में से भी गिने चुने चंद दिन सिर्फ रह गए हैं कि हम और आप मगफरत का खजाना लूट लें अल्लाह तला के पास इबादत का खजाना लूट लें नेकियों का खजाना लूट लें समेट लें जखीरा कर लें अपने अमाल नामे में निकवा लें ये गिने चुने चंद दिन मेरे और आपके सामने इस्लामी शरीयत ने मुझको और आपको अपनी जिंदगी के तकरीबन सभी मामलात में एक बड़ी ही अहम तालीम दी है एक बड़ा ही अहम मसला हम और आपको सिखलाया बतलाया और वह मसला यह है कि हम अपने मामलात का हसन इख्तिताम करें इसकी फिक्र करें हमारा हर मामला बखैरो खूबी अंजाम को पहुँचे इसकी फिक्र हम और आपको करनी चाहिए अल्लाह तलाक के बारे में कहा फमसा कुम भी मरूफिन और तसरी हम भी एहसान अगर किसी वजह से मियां बीवी में झगड़ा हो जाता है तो देखो मामले को अच्छे से संभालो या फिर जो है अच्छे तरीके से औरत को आज़ाद कर दो इस्लामी शरीयत ने हम और आपको सिखाया निकाह का अगर मामला है एक आदमी अगर मामला कर रहा है जब तक वो अच्छे अंदाज से अपने मामले को या तो रिश्ता मुकम्मल कर लेगा या रिश्ते से पीछे हट जाएगा जब तक वो अपने अंजाम तक ना पहुंचे दूसरा कोई आदमी उसमें दखल अंदाजी ना करे इस्लाम ने हम और आपको सिखाया कि हम अपनी जिंदगी का इख्तिताम भी हमेशा अच्छे अंदाज में करें जो खुद बसनूना आपके सामने पढ़ा जाता है उसमें अल्लाह तला ने यही बात तो हम और आपको सिखाई अल्लाह तला ने यही बात तो हम और आपको बताई कि वो तुम नुम मुस्लिम कि तुम्हें हरगिज मौत न आए मगर इस हाल में कि तुम फर्मा बरदार रहो मुसलमान रहो अल्लाह तला के मुती और फर्मा बरदार रहते हुए इस दुनिया से रुखसत हो जाओ इबादत करते करते निकल जाओ यही तुम्हारी अपनी जिंदगी में होना चाहिए अल्लाह प्यारे नबी वसल्लम ने अपनी उम्मतियों को अपनी जिंदगी के अंदर यह सबक सिखाया बतलाया सारी जिंदगी मेहनत की सारी जिंदगी उम्मत की खैर काही की सारी जिंदगी दावत और तबलीग के काम में गुजारी सुरह नसर नाजिल हुई इधर जय नसरफत यही है कि जिसके होने पे हुए कि इसमें तो खुशखबरी दी जा रही है कि लोग बहुत ज्यादा इस्लाम में दाखिल होंगे हजरत अबू बकर रोने लगे तफसर आप जानते हैं हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा कि नबी अली सलात को इन आयतों में कसरत से तस्बीह पढ़ने और इस्तफार करने का हुक्म दिया जा रहा है गोया आपका वक्त आपके इंतकाल का वक्त करीब आ रहा है आप अपने आप को तैयार कर लीजिए अब जितनी तस्बीह करते थे और ज्यादा तस्बीह कीजिए जितना इस्तफार करते थे और ज्यादा इस्तफार कीजिए नबी आ सलात की सीरत का यह अमली नमूना मेरे और आपके सामने है कि वह नबी जिसकी सुबह शाम जिक्र से मामूर थी वह नबी जिन

और दूसरी वायत में सत्तर मरतबा से ज्यादा तोबा करता हूं इस्तफार करता हूं जिनकी नबी जिनकी जिंदगी जिक्र से मामूर थी जिनकी सुबह शाम कसरत इस्तफार से भरी हुई थी उनको अल्लाह ताला हुक्म दे रहे हैं कि वक्त करीब आया है अब और ज्यादा तस्बी करके और ज्यादा इस्तफार करके आप अपने आप को तैयार कर लीजिए इस्लाम हमें सिखाता है कि जिंदगी का खातिमा भी हम अच्छे से करें और हमारी और आपकी जिंदगी में जो भी अमल अल्लाह ताला की तोफीक से नसीब होता है उस अमल का खातिमा भी बिल खैर हो अच्छे अंदाज में हो अच्छे ढंग से हो और पूरे की पूरी आमादगी के साथ हो पूरी अंतक कोशिश के साथ हो मेहनत के साथ हो ये इस्लामी शरीयत ने मुझको और आपको सिखाया प्यारे नबी सल्ला वसलम से सही बुखारी और मुस्द अहमद वगैरह के अंदर यह रिवायत अल्फाज के फर्क के साथ आई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फरमायामालबिलखातीम अमाल का एतबार तो खातिमे पर होता है अमाल का दारो मदार तो खातिमे पर होता है अमाल तो असल में वो देखे जाते हैं जिसमें बंदा खातिमा बखूबी करे हुस्न इख्तिताम जिस अमल को नसीब हो जाए वो अमल असल में अल्लाह ताला की नजर में बेहतरीन अमल करार पाता है नाजीन के नाम आज आपके मेरे सामने यही मसला दरपेश मैं रमजान के ये जो चंद घड़ियां बाकी हैं इनका खातिमा बखैर हो बखूबी इनका खातिमा हो अच्छे ढंग से हम इसका खातिमा करें इसके लिए हम और आपको अब तैयार हो जाना चाहिए कमर बस्ता हो जाना चाहिए यही तो नबी सलासलम किया करते थे नबी सलाम हर रमज़ान के आखिरी अशरे में दाखिल होते यह आखिरी अशरा जब दाखिल हो जाता साहबी कहती हैं नबी अलीसम का यह मामूल था कि इधर दखल अश्र, जब आखिरी अशरा दाखिल होता या आप आखिरी अशरे में दाखिल होते शमी जरा आप अपनी कमर कस लेते वाह अपनी रातों को जिंदा करते यानी इबादतों से आबाद करते आई अहला और खुद अपनी नहीं अपने घर वालों को भी जगा देते कि लोगों सुनो उठो ये सोने का वक्त नहीं ये इबादतें करने का वक्त है नाजीन किराम हम और आप इस हकीकत को याद रखें इस रमदान की यह बाबरकत आते जिस कदर दर्ज मेरी और आपकी खुश नसीबी की आलामत हैं उससे कहीं ज्यादा खुश नसीबी की अलामत यह है कि इन बची कुची घड़ियों में बचे कुचे अयाम में अल्लाह तबार कोता मुझे और आपको हसन अमल की तोफीक से माला माल कर दे खातिमा बिलखैर नसीब फरमाए जिंदगी के हसन खातिमे से पहले माह रमजान का हसन खातिमा अल्लाह हम और आपको नसीब करे इसकी फिक्र करनी चाहिए इसके लिए कोशिश करनी चाहिए इसके लिए आजम करना चाहिए इसके लिए कमर कसनी चाहिए इसे अल्लाह तला से तोफीक मांगनी चाहिए अल्लाह तला से दुआ कर... करनी चाहिए और हम और आपको वाकई मानों में इन अयाम की और इन रातों की इबादतों में भरपूर हिस्सा लेने की कोशिश करनी चाहिए आप देखें प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि अलैहि वसल्लम ने नबी सबी ने सही बुखारी की रिवायत में और ये रिवायत हदीस की मुताद किताबों में अलग अलग अल्फाज के साथ आई नबी अलैहि सलाम ने बहुत ही बड़ी बात बयान फरमाई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि एक बंदा बराबर नेकियां करता रहता है करता रहता है करता रहता है यहां तक के। जन्नत के इस कदर करीब पहुंच जाता है कि उसके और जन्नत के दरमियान सिर्फ एक बालिश की मसाफत रह जाती है ऐसे मौके पे तकदीर का एक फैसला ऐसा आता है ऐसा कोई अमल कर बैठता है ऐसा कोई अमल कर बैठता है कि जिस अमल के नतीजे में वो जो जन्नतियों की राह पे चलने वाला था अंजाम उसका जहन्नमी की शक्ल में होता है हलार जहन्नमियों का अमल करके वो मर जाता है तबाह बर्बाद हो जाता है गिरामी इस हदीस को बगौर सुने इसको समझने की कोशिश करें और इससे इबरत भी हासिल करने की कोशिश करें यह हदीस बताती है कि जिंदगी की चमक दमक सारी रौनक नेकियों की चहल पहल सब मांद पड़ जाएगी अगर खातिमा बिलखैर मुझको और आपको नसीब ना हो हम और आपके रमजान का इख्तिताम अगर सही ना हो तो रमजान की ये रौनकें बेमाना होकर रह जाएंगी हमारे और आपके अमाल का दारो मदार तो असल खातिमे पर है यह सारी मेहनत कारगर होती है जब इस मेहनत को हम उसके अंजाम तक पहुंचाएं इख्तिताम तक पहुंचाएं सही ढंग से इबादत करने वाले बने यहां यह बात भी आपके सामने जिक्र कर दूं कि ये जो बात अल्लाह के नबी वसल्लम ने बयान फरमाई कि नेकियां कर रहा था लेकिन इंतकाल से पहले अचानक कोई ऐसा काम ऐसा कोई काम करता है जो जहन्नमियों का है जिसके नतीजे में वो जहन्नमी बन जाता है ऐसा क्यों होता है रजब रजा अलैहि ने एक बड़ी बात कही है और वो आज इस मजलिस में हम और आपको समझना चाहिए अपने दिलो दिमाग में बिठानी चाहिए रज़ब ने इस हदीस की शरा करते हुए एक बात लिखी है कि असल में होता यह है कि ये बंदा जो अमल कर रहा है वो बाहर लोगों को दिखाई देने में अमल करता नजर आ रहा है लेकिन उसके अपने बातिन में वो आमादगी या उस अमल के लिए जिस किस्म की तवज्जो तो होनी चाहिए उसकी कमी होगी या बातिन में ऐसा कोई खलल कोई कमजोरी होगी कि जाहिरी अमल का यह सिलसिला चलता रहा चलता रहा लेकिन असल कामयाबी का जब वक्त था उस मौके पे अल्लाह तबारक उस बातिन की कमजोरी बातिन के खलल की सजा यून देंगे कि उसे आखिरी वक्त में अमल से महरूम कर देंगे सुबहानल्ला ना करे कि हम में से किसी को ऐसा दिन देखना पड़े आप सोचें दौड़ के मुकाबले में दौड़ने वाला चाहे इब्तदा में तेज दौड़े दरमियान में दौड़े चाहे जैसे दौड़े एतबार तो इसी का ना है कि मंजिल पर कौन सबसे पहले पहुंचता है या मंजिल तक कौन पहुंचता है, इसी का तो एतबार है अगर हमारी और आपकी कोशिशों में अगर कमजोरी है खलल है दिलों में अल्लाह ना करे इबादतों के ताल्लुक से अल्लाह हिफाजत फरमाए कहीं बेजारगी है कहीं हमारी और आपके दिलों में बेतवजह हुई है कहीं हमारे और आपके अंदर खलल है कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि अल्लाह ताला आखिरी वक्त में हम और आपको नीकियों से महरूम कर दे इसलिए कसरत से इस्तफार करते हुए अल्लाह तला के सामने गिड़ हुए सन अमल की और हसन इख्तिताम की तोफीक तलब करना यह इस वक्त का सबसे बड़ा मेरा और आपका काम और अपने रमज़ान को इख्तिताम तक पहुंचाना यह मेरी और आपकी जिम्मेदारी है सुबह अल्लाह पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस को आप सुने नबी अलैहि सलात वसम सही मुस्लिम की रिवायत में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं कि बंदों के दिल रहमान की दो उंगलियों के दरमियान है यू कल बुहा कई फैशा वो जैसे चाहे फेरता रहता है आज तक अगर हमारी और आपकी तवज्जो इबादतों में रही है जरूरी नहीं कि खातिमा बिल खैर भी नसीब हो जाए अल्लाह ताला का फैसला हो तो हमारे दिल फिर सकते हैं और वहीं यह भी समझने की बात है कि आज तक अगर तवज्जो नहीं रही कम रही हमारी और आपके अंदर इखलास की कमी रही अमल में कोताही रही कमजोरी रही बेतवज्जोही रही बेएतनाई रही जो भी रही आज ही मौका है कि हम अल्लाह ताला के सामने गिड़गिड़ा के तौफीक मांगे कि अल्लाह ताला रमजान का हसन खातिमा नसीब फरमा दे जिंदगी का हसन खातिमा नसीब फरमा दे हम मांगे अल्लाह ताला के सामने यही तो मेरी और आपकी जिंदगी का हासिल है ये ना हो तो फिर हम और क्या हासिल कर पाएंगे अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा के तौफीक मांगे सुभान अल्लाह प्यारे नबी अलैहि वसल्लम से मुसलद अहमद के अंदर एक रिवायत यूं भी आई है कि नबी अलैहि सलाम ने यह बात बयान फरमाई का जिंदगी पर एक आदमी अमल कर रहा है उसको देखकर बहुत ज्यादा मुतासर होने की जरूरत नहीं जब तक यह न देख लो कि उसके अमल का खातिमा किस अंदाज पर होता है और फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी हदीस के इख्तिताम पे आगे जाके बयान फरमाया कहा कि बंद अल्लाह ताला जब किसी बंदे के साथ भलाई का इरादा करता है इस्तेमाल अल्लाह उससे कोई ना कोई काम ले लेते हैं उसे किसी ना किसी काम पे लगा देते हैं कोई ना कोई काम उससे ले लेते हैं साहबा ने पूछा अल्लाह के नबी ये जो आप फरमा रहे हैं इस्तेमाल उससे काम ले लेते हैं उसे किसी काम पे लगा देते हैं इसका क्या मतलब है नबी आलरा सलाम ने फरमाया मरने से पहले अल्लाह तबारा किसी खास नेक अमल की तोफीक उसे अता कर देते हैं ये इस बात की अलामत है कि यह बंदा अल्लाह का पसंदीदा है चहीता है आप और मैं भी ये कोशिश करें कि इस रमजान की आखिरी सातों में जो दिन बाकी रह गए जो रातें बाकी रह गई हैं इनमें हम और आप हसन अख्तितम की फिक्र करें हमारा ये जो महीना जिसमें हमने रोजे भी रखे हमने क्याम भी किया हमने तोबा व इस्तार भी किया हमने दुआएं भी मांगी हमने सदका व खैरात भी किया हमने कुरान मजीद की तिलावत भी की हमने अल्लाह ताला का जिक्र भी किया अल्लाह ताला की तारीफ और हमदोसना भी बयान की हमने अपनी इस्तात पर लोगों को नफा पहुंचाने की चाहे अपने इल्म से माल से या अपने ताल्लुक से या अपनी जबान से खैर खाही के अल्फाज से किसी तरीके से भी हमने फ़ायदा पहुंचाया है दुआ करो कि अल्लाह ताली इसका हसनि खातिमा हमें नसीब करे कि हर अमल जो हमने रमज़ान भर किया है इख्तितमाम तक पूरे अखलास के साथ पूरी तवज्जो के साथ हम और आप करने वाले बन जाएँ ने गिरामी जो घड़ियां बाकी हैं जो लम्हे बाकी हैं जो सातें बाकी हैं बड़ी कीमती हैं और इनका सबसे बड़ा कमाल यह है कि सिर्फ एक तरफ जलाल की तोफीक है और दूसरी तरफ बंदे का अजमो इरादा है दुनिया की कोई ताकत दरमियान में हाइल नहीं हो सकती कोई आपसे ये आपकी मुबारक साहतें छीन नहीं सकती आपको यह खजाना अपना बनाने से नहीं रोक सकती इसीलिए करना क्या है हमको भी हमको भी बस दो चीजों की ही तरफ तोज्जो देनी चाहिए एक अल्लाह तला से हसन अमल की हसन इख्तिताम की तोफीक मुसलसल तलब करते रहे दिन सरात मुस्तकीम अल्लाह तला से एह दिना अल्लाह हमें हिदायत दे तोफीक से माला माल रख हर किस्म की खैर से हमें माला माल रख तेरी तोफीक से हमें माला माल रख हर नेकी में हमें अपना हिस्सा लेने और न सिर्फ हिस्सा लेने नेकी में ऊंचे से ऊंचे दर्जे तक पहुंचने की तोफीक बख्श यह दुआ हम अल्लाह ताला से मांगे एक अल्लाह की तोफीक है और अल्लाह ताला की तोफीक के साथ बंदे का अपना अजम इरादा उसका आज़म है उसका हौसला ये दो तो चीजें अगर इकट्ठा हो गई तो अल्लाह ताला के फदलो करम से हमें हसन अख्तितमाम भी नसीब होगा हसन अमल की इस तोफीक से भी हम और आप माला माल होंगे और फुसत रबा रबा की कसम में और आप कामयाब भी हो जाएंगे और यही कामयाबी है जिसके लिए हम और आप इतनी सारी मेहनत करते आए हैं कितनी नादानी होगी कि इतनी, हो इतनी मेहनत करने के बाद अब हम दम तोड़ दें मंजिल पर पहुंचने से पहले कदम थक जाए मंजिल पर पहुंचने से पहले हम रुक जाएं मंजिल पर पहुंचने से पहले हम हार मान लें इससे ज्यादा बदकिस्मती कुछ नहीं हो सकती हाजी ने गिरामी मैं ज्यादा कुछ तफसील में आपके सामने गुफ्तगु करना नहीं चाहता सिर्फ यह पैगाम देना चाहता हूं जिंदगी का खातिमा हम और आपको अच्छा जा ही है हम सब सबन खातिमा की आर्जू और तमन्ना करते ही हैं लेकिन उसके साथ साथ इस्लामी शरीयत की इस तालीम को याद रखें कि इस्लाम ने हम और आपको सिखाया कि, कि दारो मदार तो खातिमे पर है असल खातिमे पर है और आप और मैं देखें दो सुलस गुजर चुके हैं एक सुलुस बाकी एक तिहाई हिस्सा बाकी बल्कि अगर बारीकी से हिसाब करके देखें तकरीबन हम और आप चार में से तीन रूब तीन रूब खर्च कर चुके हैं तीन चौथाई हिस्सा गुजार चुके हैं सिर्फ एक चौथाई हिस्सा करीब करीब हमारे सामने मौजूद है ऐसे मौके पर कमर कस कसले अजम हौसले को मजबूत करें हिम्मत करें और खड़े हो जाएं और जैसे मैंने आपके सामने गुज्ता दर्स के अंदर भी यह बात कही थी गुज्ता जुमा के दर्श के अंदर भी गुश्ता जुमा के खिताब के अंदर भी आपके सामने यह बात रखी थी कि हम और आप कसरत से अल्लाह तला से दुआ करें गिरामी हमारी और आपकी जिंदगी का एक बहुत बड़ा अलमिया ये है कि हम तदबीर के खोटे होकर भी तकदीर के मामले में अल्लाह ताला से गिड़गिड़ाने मांगने में बड़े पीछे नजर आते हैं ऐसा तो कभी नहीं होना चाहिए इस्लाम तो हमें सिखाता है कि तदबीर पूरी कामिल तदबीर भी हो तो हम और आपको अल्लाह का मोहताज बनकर उसके सामने गिड़गिड़ाना चाहिए हमें क्या चाहिए इस दुनिया के अंदर अमनो अमान चाहिए फितरों से अल्लाह ताला महफूज रखे मसाइल से आज़ाद रखे हमें और आपको हमारी आलो औलाद को जिंदगी में सुकून इत्मीनान की दौलत चाहिए यही तो हमको चाहिए दिनों ईमान की दौलत के साथ यहाँ एक अच्छी जिंदगी चाहिए और आखिरत में जहन्नम से नजात और जन्नत में दाखिला और उसके बाद ऊंचे से ऊंचा दर्जा यही तो हमको चाहिए मांगे हम और आप अल्लाह तबार रखो से हम मैं अपने लिए आपके लिए मांगो आप अपने लिए मेरे लिए मांगे हम सब एक दूसरे के लिए मांगे खुद के लिए मांगे ये तो अल्लाह ताला हम और आपसे चाहते हैं सुबहान अल्लाह देने वाले के खजाने में कोई कमी नहीं देने वाले के इरादे में कोई कमजोरी नहीं और देने वाले के पास कोई हिसाबों की किताब नहीं यहां लेने वाले कमजोर हैं लेने वालों की हिम्मत जवाब दे जाती है लेने वालों के अंदर बेनियाजी है लेने वालों के अंदर गफलत पाई जाती है यही तो हमारी और आपकी महरूमी है यही तो मेरा और आपका मसला है मांगो अल्लाह ताला से गिड़गिड़ाओ अल्लाह ताला के सामने अपनी दुनिया के लिए अपनी आखिरत के लिए और ये जो वबा मुसलत है इससे नजात के लिए और इस वबा से जो नुकसान हो रहे हैं कितने लोग बेरोजगार हो गए कितने लोगों के कारोबार चौपट हो गए कितने लोगों का तर्ज जिंदगी मुतासर हो गया कितने लोग इसी वबा की भेंट चढ़कर इस दुनिया से रुखसत हो गए कितने लोग इस बीमारी को झेल कर कैसी कैसी तकलीफों के से गुजर रहे और अल्लाह जाने आइंदा और क्या कुछ होने वाला है मांगो अल्लाह तला से ये सब कुछ होकर भी अल्लाह तला के सामने कुछ नहीं ना है इनमा अमर इधा और उस रबल का मामला तो यह है ये क्या वबा की बात मेरी और आपकी दुनिया के मामलात में अल्लाह तला का फैसला यही है वो अगर कह दे हो जा तो हो जाएगा अब ये हमारा और आपका काम है कि हम हाथ उठाएं दामन पसारें गिड़गिड़ाएं कि अरे अल्लाह तला तू हुक्म दे दे कि यह वबा रुख्सत हो जाए हम मांगे कि अल्लाह ताला तू हुक्म दे दे कि जालिम शरपजन हमें हम पर मुसलत होने से बाज आ जाए हम अल्लाह से मांगे कि ये फितने जो हमारे दरवाजों पर दस्तक दे रहे हैं अल्लाह तला इनका खातिमा कर दे हम अल्लाह से मांगे कि अल्लाह हमें जहन्नम से नजात देकर जन्नत दे दे यही तो दुआएं हम और आपको करनी चाहिए हाजिने गिरामी हुसन अख्तितम रमज़ान का भी करो हसन अख्तित अपने रोजों का करो हसन अख्ताम अपने क्याम का करो अपनी दुआओं का करो अपनी तिलावत का करो अपने तो खैरत का करो अपनी इबादतों का करो अपने तोबा व इस्तार का हुसन अख्ताम करो जिंदगी अगर इस नतीजे तक पहुँचती है कि अल्लाह ते जो कहा वला तम तुम मुस्लिम कि तुम अमल करते जाओ करते जाओ इस हाल में कि मौत भी आए तो तुम फरमा बरदार रहो ये अगर नसीब हो जाए तो हम और आप कामयाब हो जाएंगे सुबह अल्लाह शेख अलबानी रहमत आली बड़ी प्यारी बात बड़ी प्यारी बात शेख अलबानी रहमत आली अपने दुरूस में कहा करते थे अपने दरसों में कहा करते थे कहते थे मंजिल बहुत दूर है सफर बहुत तवील है कमाल ये नहीं है कि हम मंजिल पे पहुंचे तो ही कामयाब अपने आप को समझे कमाल यह है कि मौत जब भी आए तो अल्लाह ताला हमें इस हाल में पाए कि हम उसी मंजिल की जुस्तजू में सिरात मुस्तकीम पर चलते जा रहे हैं चलते जा रहे हैं यही मुझको और आपको करना है वो अल्लाह ताला ही बेहतर जानता है हमारा वक्त कब आएगा लेकिन अल्लाह ताला कम से कम हमसे यह चाहता है कि अमल करते जाओ करते जाओ इस तरह के अमल तुमको छोड़े तुम अमल को ना छोड़ो तुम अमल करते जाओ ऐसे कि अमल का वक्त खत्म हो जाए तुम्हारी हिम्मत और हौसला खत्म ना हो अमल तुमसे रुखसत हो जाए तुम अमल से रुखसत ना हो यही तो अम और आप से अल्लाह ताला चाहता है ने गिरामी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस तालीम को याद रखते हुए कि कितन के अमाल का दारो मदार तो खातिमे पर है हम और आप अपने रमजान का अच्छे तरीके से इख्तिताम करने की कोशिश करें और हुस्न इख्तिताम क्या है वही इबादतें जरा और जज्बे से वही नेकियां जरा और इखलूस से वही हमारी और आपकी मेहनतें कोशिशें कुर्बानियां और ज्यादा तवज्जो से और वही मेरी और आपकी दुआएं मेरी और आपकी तौबा व इस्तिगफार और ज्यादा आजीज़ी से इनकी सारी से और ज्यादा गड़गड़ाहट के साथ गिड़गड़ाकर हम और आप अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाकर दुआ करें कि हम और आपको अल्लाह ताला इस तरह इस रमजान को हमसे ले कि ये रमज़ान हमारे हक हाँ में गवाह हो अल्लाह हमसे राजी हो और अल्लाह ताला, ताला इस रमजान को लेने से पहले इसको हमसे जुदा करने से पहले हम और आपको जहन्नम से दूर कर दे जहन्नम से अलाइदा कर दे जहन्नम से हमें दूर करके जन्नती होने का परवाना हमारे और आपके हक हाँ में लिख दे मैं अपनी गुफ्तगु को ख़त्म करते हुए अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हम और आपको अपनी इस रमज़ान की बाकी सातों के अंदर मुबारक घड़ियों के अंदर हसन अमल की तोफीक़ से माल-माल रखे हसन अख्ताम इस रमज़ान का भी नसीब फरमाए ज़िंदगी का भी हसन अख्ताम नसीब फरमाए हमारी छोटी मोटी टूटी फूटी जो भी हमारी और आपकी इबादतें अल्लाह अपने फजलो करम से कबूल फरमा ले अल्लाह तबारक हमारे रोज़ों को हमारी हमारे कियाम को नमाज को हमारी और आपकी कुरान की तिलावतों को हमारे जिक्र जिक्रज़गार को सदक़ात खैरत को हमारी हर छोटी बड़ी नेकी को अल्लाह ताला कबूल फरमा ले अल्लाह तबारक तआला इस वबा से वबा के शर से वबा से, वबा से होने वाले नुकसान से हम सब की हिफाजत फरमाए और जिनका नुकसान हो चुका है अल्लाह ताला अपने फदलो करम से उनको नबुल बदल अता फरमाए अल्लाह तबारक तआला हमारी और आपकी मगफरत फरमाए हमारे वालदे की मकफरत फरमाए हमारे इसातदा की मकबरत फरमाए ए अल्लाह तबारक हम में से बड़े छोटे सबकी मकफरत फरमाए जो बीमार हैं उनको शिफ़ा अता फरमाए जो लोग परेशान हैं उनको सुकून अता फरमाए जो कर्जदार हैं उनको कर्ज से आजादी नसीब फरमाए जो मसाइल में उलझे हुए हैं उनको मसाइल से आज़ाद कर दे उनको मसाइल से छुटकारा दिलाकर सुकून की जिंदगी सबको अता फरमाए जो बीमार हैं उनको शिफा अता फरमाए और जो हमारे और आपके बुजुर्ग हमारे अपने खानदान के मतलकन रिश्तेदार इंतकाल कर गए हैं अल्लाह ताला उनकी मगफिरत फरमाए उनको जहनम से आज़ाद फरमाए जहन्नम के अजब से नजात दे और अल्लाह तबारक वाली सबको जन्त नसीब करे सबको जन्नत में ऊँचे से ऊँचे दर्जे नसीब फरमाए अल्लाह ताली जब तक दुनिया में रखे ईमान की सलामती के साथ रखे फितनों से महफूज रखे हर किस्म के शर से महफूज रखे और दुनिया के अंदर आजमाइशों और परेशानियों से महफूज रखे और जब अपने पास बुलाए तो ईमान की हालत में बुलाए आमीन व आखिर दवादुल्ल रबालमीन वालकम व वरक